गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो ये सुबह का टाइम था और मैं चाय बना रही थी। लगभग टाइम 6:15 के आसपास का था और मैं चाय बना रही थी अपने लिए। तो ये मैंने चाय का पानी रखा हुआ है और चाय पत्ती चीनी तो मैंने डाल दी है और अब मैं इसमें दूध डालूँगी। और चाय पीने से पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय उबल चुकी है और मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। और इसी बीच मैं फ्रिज से आटा सब्जी इसी बीच निकाल लेती हूँ जब तक मेरी चाय बनती है और मैं पानी पीती हूँ। तो इस बीच मैं सारा वो निकाल देती हूँ फ्रिज से, जैसे रात का आटा रहता है और सब्जी मैं रात को ही काट के रख देती हूँ क्योंकि सुबह टिफ़िन ले जाता है खाना, तो उसके लिए मुझे टिफ़िन देना पड़ता है। तो सुबह लेट ना हो इस वजह से मैं रात को ही सब्जी वब्जी काट के रख देती हूँ। तो पहले मैं आराम से पानी पीती हूँ फिर चाय। और यहाँ पे कान्हा भी उठ गया था, मैं चाय पी रही थी और कान्हा ब्रश कर रहा है। कान्हा हमेशा यहीं पे बैठ के ब्रश करता है सोफे पे बैठ के, और अभी भी उसे नींद भी आ रही है, आंखें उसकी छोटी छोटी हुई हैं और ब्रश करने पे लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। मन नहीं हो रहा उसका ब्रश करने का लेकिन मजबूरी है, कर रहा है। और यहाँ पे मैंने चाय वाय पी ली थी, पानी भी पी लिया था और यहाँ पे मैं कर रही थी सोफ़े की सफाई, मतलब ऐसे ही झाड़ना वाड़ना होता है सोफ़े के कवर, तो मैं वही कर रही थी। और फिर उसी बीच में किचन में गई और मैंने सब्जी जो मैंने काट के रखी हुई थी, तो मैंने ये कद्दू की सब्जी है तो मैं सुबह कद्दू की सब्ज़ी बनाई और आटा गूंदा हुआ था तो कद्दू के साथ मैंने पूरी दी थी उसे। तो यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ, उसमें मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ सब्ज़ी। फिर इधर मेरी सब्ज़ी दूसरे चूल्हे पे मैंने सब्ज़ी रखी हुई थी गैस कम करके, और इधर क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो इधर मैं पूड़ियाँ भी तल रही थी ये ताकि फटाफट हो जाए। इसी बीच मैं खाना के लिए गर्म पानी रखा हुआ था, थोड़े गुनगुने पानी से नहाता है वो। यहाँ पे थोड़ा सुबह है ना, पानी ठंडा रहता है तो थोड़ा गुनगुना करना पड़ता है, तो मैंने पानी भी रखा हुआ था बाथरूम में गर्म करने के लिए। तो इसके बाद मैं उसे ही नहलाऊंगी। तो कान्हा नहा के आ गया है और अपनी ड्रेस पहन रहा है, स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, तो वो अपने आप ही तैयार हो जाता है अपनी ड्रेस व्रेस पहन के, बैग रख के, अपना लंच बॉक्स रख के, ये सारा काम वो खुद ही करता है। और अब तो वो टाई भी बांध लेता है अपनी अपने आप, जब कभी लेट होता है तो मैं फटाफट मैं बांध देती हूँ। तो यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है, देख लीजिए आप, ड्रेस पहन लिए है। अब मुंह पे लगाएगा वो हल्की सी क्रीम क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है तो स्किन ऑयली ऑयली हो जाती है, तो वो थोड़ा सा क्रीम लगाता है मुंह पे। और अभी वो थोड़ा नाराज़ है मेरे से, अब पता नहीं किस बात से है क्योंकि बात नहीं कर रहा है, गुस्से में है। तो अभी अब तेल लगा रहा है बालों में।
तो फाइनली खाना तैयार हो गया है और ये था हमारा शाम का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पपाया शेक, तो शाम को मैंने बनाया था पपाया शेक, कुछ भी नहीं डाला था मैंने इसमें। इसमें दूध और पपीता काट के, वही मैंने इसमें फेंटा था मिक्सर जार में डाल के, और ये बहुत टेस्टी हो रहा था, देख सकते हैं आप। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं रेसिपी शेयर करूँगी। पीने का, और उधर मैंने गैस में दूध उबालने के लिए भी रखा हुआ था।